डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम टॉपिक पढ़ रहे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे? कंपेयरिंग क्वांटिटी, ठीक है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था रेशो और पढ़ा था परसेंटेज। रेशो और परसेंटेज पढ़ी थी इसमें हम, ठीक है। और आज हम इसी के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ रेशो इनटू परसेंटेज, किस तरह हम रेशियो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको दो क्वांटिटीज है, एक तो है ए, दूसरी क्वांटिटी आपके पास बी है, ठीक है। और इसका रेशियो आपको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में, ठीक है। अगर आपके पास ए है और दूसरी क्या है? बी, ठीक है। तो इसका हम रेशियो परसेंटेज में किस तरह निकालते थे? हम इसमें क्या a डिवाइड बाई b या a अपॉन b मल्टीपल करते हैं इसको किसे? 100 से। किसे? 100 से जो वैल्यू हमें मिलता है तो वो किस में हमें मिलता है? परसेंटेज में। किस में? परसेंटेज में, ठीक है। अब अगर आपको ये इस पूरे क्वांटिटी का क्या रेशियो होता है, किसका? पूरी क्वांटिटी का रेशियो होता है। अगर आपको a की जो क्वांटिटी ए उसका क्या वैल्यू निकालना है, किसमें? परसेंटेज में। तो हम उसके लिए फार्मूला क्या है? ए अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जो वो वैल्यू हमें हमारे पास आता है वो किस फॉर्म में होता है? परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है। तो किसका वैल्यू होता है? वो ए, क्वांटिटी ए का होता है, ठीक। और इसी के बराबर अगर आपको बी का क्वांटिटी बी का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, तो हम उस टाइम क्या करते हैं? बी अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह हम निकालते हैं। अगर आपके पास दो रेशियो है, एक तो है 2:3, 2:3, तो मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। यहां हम जो ये होल रेशियो है, होल रेशियो हम किस तरह निकालते हैं? तो वो क्या आएगा? a डिवाइड बाई बी, a हियर क्या है? 2, और b क्या है? b है 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब आप कैंसिलेशन करोगे 3 1 3 3 3 9 3 3 9 और 3 3 9, बीच में क्या आएगा? डेसिमल, ये आएगा 3 3 3.333, ठीक है। तो जब आप इसको 2 के साथ मल्टीपल करोगे वो आएगा 66.6%, ठीक है। अगर आप आपको किसका? a का वैल्यू निकालना है, तो हम उस टाइम क्या करते हैं? a क्या है? a का वैल्यू क्या है? 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वो क्या आएगा? वो आएगा 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 प्लस 3 इज 5, ठीक है। मल्टीपल किसके साथ करेंगे? 100 के साथ। तो आप कैंसिलेशन होगी 5 1 5 2 10 5 0 0, तो वो क्या आएगा? 2 0 0, 2 2 4, तो वो क्या आएगा? 40%, क्या आएगा? 40%, ठीक है। अगर आपको अब क्या क्वांटिटी बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हम उस टाइम क्या करते हैं? बी डिवाइड बाई बी अपॉन 2 प्लस 3, बी अपॉन 2 प्लस 3, बी क्या है? 3 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। वो क्या आएगा? वो आएगा 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। आप क्या है कैंसिलेशन 5 1 5 2 5 0, वो आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 3 0 0 3 2 6, देखो वो क्या आएगा? 60%, क्या आया? 60%। क्वांटिटी तो क्या है? ए और बी। देखो कल भी मैंने आपको बोला था हर कोई क्वांटिटी इनिशियल में क्या होती है? 100%। देख ए कितना आया? 40%, और बी कितना आया? 60%। 60% प्लस 40% वो क्या आता है? वो आता है 100%, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू रेशियो। अब अगर आपको किसमें
परसेंटेज में दिया गया हो वो हम किस तरह रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है 60%, क्या है 60%, वो हम कन्वर्ट किस तरह करते हैं फ्रैक्शन में या रेशियो में, वो हम लिखते हैं 60/100। परसेंट मीनस मैंने आपको इससे पहले भी बोला, सेंट मीनस 100, 60 ये क्या है 60/100, तो वो आएगा 60/100। 1010 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, वो क्या आएगा, वो आएगा 3/5। जो ये क्या है, ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3:5। यहाँ अगर आपको किसी जगह देखने को मिलेगा 50% ऑफ बॉयज, यहाँ 40% ऑफ बॉयज, 30% ऑफ स्टूडेंट, वहां हम क्या कर सकते हैं, वहां 50% मीन 50/100, वो हो गया 50/100 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हुआ, तो वहां क्या है, वहां आएगा 50। तो आउट ऑफ 100 में से कितने बॉयज है, फिर वो 50 है बॉयज। ठीक, अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। ये आपको इस तरह समझ आएगा कि मानो आपके पास कोई चीज है, क्या है, कोई चीज है, उसका वैल्यू है 25,000, यहाँ 100, यहाँ 200, यहाँ 20,000, इसी तरह यहाँ क्या लिया मैंने 25,000, तो आपको उस पर क्या है 20% ऑफ है, क्या है 20% ऑफ है उस आर्टिकल पे। ठीक, पहले आपको निकालना है कि 20% किसका, 25,000 का, वो हम किस तरह निकालते हैं, 20% मीन 20/100, वो हो गया 20/100 मल्टीपल किसका, किसका 20% निकालना है 25,000 का। ठीक है, वो क्या आएगा, 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गए, जब आप 20 को किसके साथ मल्टीपल करोगे 250, यहाँ तो क्या रह गया 250, वो तो आया 5,000, क्या आएगा 5,000। अब आपको इस आर्टिकल पे कौन सा प्राइस देना है, वो देना है आपको, उसको हम बोलते हैं फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस तो पहला इनिशियल प्राइस क्या था इसका 25,000, मगर आपको 20% ऑफ है, 20, जब हमने 20% निकाला किसका 25,000 का, वो आया 5,000, क्या आया 5,000, तो फाइनल प्राइस क्या आएगा 25,000 माइनस 5,000, वो आएगा 20,000, क्या आएगा वो 20,000। ठीक है, तो जो आपको फाइनल प्राइस देना है फिर वो क्या है, वो देना है आपको 20,000। ठीक है, अब यही दूसरी और एक बात, ठीक है, इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो वो हम इस तरह दिखाते हैं एरो ऊपर की तरह, अगर डिक्रीज आपको देखने के मतलब वो दिखाते हैं हम क्या, इस तरह एरो नीचे की तरह। ठीक है, अगर आपको यही प्राइस अब है, ठीक, उस प्राइस पे 20% का इजाफा हुआ, ठीक है, 20% ऑफ 25,000 हमने अभी निकाला, वो कितना निकला 5,000, उस टाइम आपको क्या करना है, आपको क्या, एक तो ये 25,000 देने हैं और जो इस पे इजाफा हुआ वो कितना हुआ 20% माइनस 5,000, उस टाइम आपको क्या देना है 30,000, क्या देना है 30,000। ठीक, अब हम किस पे आते हैं, डिस्काउंट, किस पे डिस्काउंट क्या होती है, ये एक रिडक्शन, क्या होती है, रिडक्शन मेड फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट, जो ग्रॉस अमाउंट होता है उस पे कितनी रिडक्शन आपको मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं डिस्काउंट, क्या बोलते हैं डिस्काउंट। मिसाल के तौर पर आपको कोई आर्टिकल जिसका प्राइस है 500, जिसका प्राइस है 500, तो आपको कितने में मिलता है वो 400 में, कितने में मिलता आपको 400 में, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला, इनिशियल वैल्यू इसका क्या था 500, और किस वैल्यू पे आपको मिल रहा है, आप वो मिल रहा है आपको 400 पे। ठीक है, तो जो डिस्काउंट है वो 500 माइनस 400, वो तो आया आपको 100, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला 100 रुपीज, कितना 100 रुपीज। ठीक, अब आपको अगर ये मालूम करना होगा कि मुझे कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, तो आपको इस तरीके से करना। ठीक है, आपको कितना डिस्काउंट मिला 100, तो किस पे ये आपको मिला डिस्काउंट, किसका किस पे मिला आपको, वो तो आपको 500 पे मिला,
किस पे 500 पे मिला, कितना मिला 100, तो 100 डिवाइड बाई 500 करना है आपको, क्या करना है 100 डिवाइड बाई 500 मल्ट, अगर आपको ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीपल करना है किससे 100 से, किससे 100 से, दो देखो दो जीरो और दो जीरो एक तो कैंसल हुए, 5 1 5 5 2 10 5 0 0 वो तो आपको क्या आएगा 20%, तो उस टाइम आपको कितने परसेंट डिस्काउंट हुए 20%, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपको यही आर्टिकल जिसका जिस आर्टिकल का प्राइस 500 है, 500 है और आपको ये किस पे मिला 400 पे, किस पे 400 पे, मगर आपको ये बोल रहा है कि जो इस पे टैक्स लगा हुआ है वो आप ही को देना है, वो आप ही को देना है, उस टाइम आप क्या करोगे, जो ये टैक्स ये ऐड होता है फाइनल प्राइस पे ये ऐड होता है, मिसाल के तौर पर आपको 10% इस आर्टिकल पे 10% क्या है टैक्स है, क्या है टैक्स है, जब हम 10% निकालेंगे, 10% निकाले किसके इस 500 के, 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई किस पे 500 पे, ठीक है, दो जीरो और दो जीरो कैंसिल, ठीक है, वो क्या आएगा, वो आएगा 50 रुपीज, किस पे 50 रुपीज आएगा, वो कितना 50 रुपीज, तो फाइनल प्राइस जो आपको देना है वो क्या है, वो आएगा 400 प्लस 50, तो उस टाइम आपको ये पड़ेगा किस पे 450, तो आपको डिस्काउंट फिर कितना मिला आने 50 रुपीज, आने 50 रुपीज, जो ये टैक्स होता है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, वो एड होता है, ठीक है। देखो अब हम इसी इंट्रोडक्शन के दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है प्राइस। प्राइस क्या होता है, वो वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल होता है, कि किस आर्टिकल का कितना वैल्यू होता है वो उसका उसी का प्राइस होता है, वो उसका प्राइस होता है, ठीक है। और जो ये प्राइस या ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी दैट यू पे फॉर समथिंग, ये अमाउंट ऑफ मनी होती है जो आप पे कर सकते हो किसके, किसी चीज के लिए, ठीक है। अब ये प्राइस क्या है, इसके दो टाइप्स है, एक तो है सेलिंग प्राइस, दूसरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस एडमिशन आर्टिकल इज मेड, वो प्राइस जिस पे क्या आर्टिकल बना होगा, ठीक है, या कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर होता है उस आर्टिकल को बनाने वाला, ठीक है, जो वहां का प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, वो प्राइस जिस पे ये आर्टिकल क्या सेल किया जाएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। मिसाल के तौर पर मैं आपको इस तरह भी समझा, अगर ये मैन्युफैक्चरर है और ये क्या है सेलर है, और उसके बाद कौन है कस्टमर, जिस प्राइस पे इस सेलर को कोई आर्टिकल मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जिस प्राइस पे कस्टमर को ये आर्टिकल मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई बुक है, क्या है, बुक है, उस बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है 80 रुपीज है, क्या है 80 रुपीज है, और जो इसका सेलिंग प्राइस है वो है 100, क्या है 100। यहाँ क्या है, यहाँ तो कॉस्ट प्राइस है लेस देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है लेस देन सेलिंग प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस लेस होगा किससे सेलिंग प्राइस से, तो वहां प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है, वहां क्या होगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसके बराबर होता है, वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ सेलिंग प्राइस क्या था 100 रुपीज, क्या था 100 रुपीज, और इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो वो है 80, क्या है 80, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, वो है 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कितना 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर आपको यही प्रॉफिट किसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा कि मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, तो आपको वो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी मीन कॉस्ट प्राइस, उसको मल्टीप्ल किया जाता है किसके साथ 100 के साथ, तो प्रॉफिट कितना मिला आपको 20, किस पे आपको इसका
कॉस्ट प्राइस क्या था 80 और मल्टीपल करेंगे हम किससे 100 से, तो 10 यहां और 10 यहां कैंसिल, 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 0 0, 2 1 2 5, तो आपको कितना 25% प्रॉफिट मिला, कितना 25% प्रॉफिट मिला। ठीक है ना, अगर इसी हिसाब से क्या, अगर इसी हिसाब से आप क्या कॉस्ट प्राइस होगा 100, क्या होगा कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 और सेलिंग प्राइस कितना होगा वो होगा 80। इस टाइम क्या है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे सेलिंग प्राइस से, किससे सेलिंग प्राइस से, तो यहां क्या होगा यहां लॉस होगा। जब कॉस्ट प्राइस होता है ज्यादा किससे सेलिंग प्राइस से, तो वहां हम क्या करते हैं लॉस करते हैं, क्या करते हैं लॉस। तो ये लॉस किसके बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये भी होता है, मगर यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगा, जो ये नेगेटिव साइन आएगा ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें लॉस दिखाता है, क्या दिखाता है लॉस दिखाता है। तो लॉस कितने का हुआ, देखो लॉस सेलिंग प्राइस कितना था वो था 80 और कॉस्ट प्राइस कितना था 100, 80 में से 100 में से हम निकालेंगे 80, तो वो क्या आएगा वो माइनस 20 आएगा। जो ये माइनस 20 आए ये हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमें लॉस, क्या दिखाता है लॉस। अब हमें अगर यही लॉस किसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो अगर मुझे लॉस हुआ कितना परसेंट लॉस हुआ तो वो किसके बराबर होता है लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। देखो यहां भी डिवाइड में अपान में क्या था कॉस्ट प्राइस, यहां भी क्या लॉस में भी क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और लॉस कितना हुआ 20 और किस में से कॉस्ट प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस यहाँ क्या है 100 है, क्या है 100 मल्टीपल करना है किससे 100 से, तो 100 कैंसल 100 और 100 कैंसल, तो वो क्या आएगा 20%। अगर आपको यहां देखना है कि मुझे कितना परसेंट लॉस हुआ तो वो कितना हुआ वो 20% लॉस हुआ, कितना 20%। ठीक है,